नमस्कार मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ महावेंद्र और हम अभी हैं भगवान नगर मार्केट में जहाँ पर सभी किराना स्टोर है। यहाँ पर लोग लगातार अपनी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ई पास की खास सबसे व्यवस्था की है कि ताकि लोग जिनका दुकान खुलेगा उनके पास ई पास होगा। आइए कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें ई पास मिला या नहीं, अप्लाई किया कि नहीं। आइए हम बात करते हैं। क्या आपने ई पास हमने अप्लाई किया होगा? अच्छा, मेल की हुई है। हाँ। आज ही CM ने बताया कि आप थ्रू मेल के आप मेल करो और देन उसके बाद हम आपको उसका जो पास है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे, आपके मेल पर आ जाएगा। हाँ जी। क्या आप काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी खरीदारी करने के लिए? अभी मार्केट में सब निकले हुए हैं क्योंकि सुबह से दुकानें बंद थी सबकी। अच्छा। तो अब जैसे ही लोगों को पता चला दुकान खुली है तो सब सामान लेने के लिए। डिस्टेंस आप बनाए हुए हैं? डिस्टेंस बिल्कुल देख लीजिए बाहर, आप किसी को अंदर आने नहीं दे रहे हम। जी हाँ, बिल्कुल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। खास तौर से इन्होंने हम दिखाना चाहते हैं, दिखाइए जरा साहब मुस्लिम जी, हम चाहेंगे कि आप इसे दिखाएँ। दो से चार लोग आ रहे हैं और वो बहुत डर डर के आ रहे हैं क्योंकि पुलिस का वो दिखाया गया, उसमें लाठी का जो ये सब हो रहा है, तो इसलिए सुबह से ही बंद था। सुबह से बंद था, सुबह 2 घंटे खोल रहे हैं, शाम को 2 घंटे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यहाँ पर खरीदारी हो रही है बड़ी अच्छा हो रहा है जी। 2-2 घंटे टाइम दिया जा रहा है जी। हाँ हाँ, कितने दिन का? हमें तो 2-2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम दे रहे हैं, 1-4 दे। बड़ी खुशी की बात है कि मोदी जी ने आज हमारे ध्यान रखे हुए हैं, सैनिटाइजेशन कर रखे हैं, आपके टाइम दिया कि जिससे कि घाट भी परेशान ना हो, दुकानदार की भी 2 रोटी चलती रहे। हाँ, और उसके बाद हम कुछ दिन बंद कर देते हैं, हमारी मार्केट में शांत रहती है। हाँ, लेकिन दूरी बनाए हुए है ना? दूरी कम से कम है जी हमारी जी 3-4। बिल्कुल, अगर एक बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हमारा चलता रहे बस। जी जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। या खास करते मुस्लिम को हम कहेंगे कि इधर आकर दिखाएँ। और भी इस प्रकार से दवाई की दुकान में लाइन लगी हुई है और कोशिश है कि हाँ खास लोग अपनी दवाई लेने के लिए एसेंशियल सर्विसेज के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और यही खासतौर से सरकार ने जो व्यवस्था की है, लगातार कोशिश की है सरकार ने कि किसी को असुविधा ना हो, इसीलिए कई निर्देश जारी किए हैं। ई पास दिया जा रहा है और लोगों ने दुकानदार ने अवेयर होकर अप्लाई किया है। बस थोड़ी देर में आज उन्हें ई पास मिलने वाला है और 2 घंटे के लिए भी शाम में दुकान खोला है उन्होंने। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या आप जरूरी सामान ले लिए? ले रहे हैं अभी, लेकिन दूरी बनाए हुए हैं लोगों से, बिल्कुल पूरा प्रॉपर तरीके से चल रहे तरीके से हैं। क्या आप लगातार सरकार जिस प्रकार घोषणा कर रही है उसको आप फॉलो कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे दुकानदार से बात करें। क्या ये ई पास की अप्लाई किया आपने पास के लिए दुकान के लिए? भैया अभी कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। क्यों, कुछ लोग आपके सामने वाले तो अप्लाई कर दिया है? आपके सामने वाले दुकान ने नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने अप्लाई किया, कुछ नहीं पता। नहीं पता अभी, नहीं पता सर। इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है? नहीं, हमारे पास नहीं है। सरकार ने जो घोषणा की है सर, हमारे अप्लाई शाम को पास में देखा तब भी उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस ये था कि पास निकालेंगे कि निकालेंगे कैसे, वो नहीं पता। आपने अप्लाई किया कि नहीं? अभी अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी हाँ, बिल्कुल भैया। कुट्टू का आटा है, कुट्टू का आटा क्या कैसे वो अप्लाई करेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जनता लगातार घूम रहे हैं और खासतौर से बात कर रहे हैं लोगों से। देखिए आइए अंकल से बात करते हैं। अंकल, सेफ्टी के लिए कुछ लगाया नहीं आपने? जरूरी है कि मुंह में लगाएं, हाथ में भी बंद करें, दूरी बनाए रखें, कुछ ऐसे बार बार दूरी बनाए रख रहे हैं हम तो। निकलते नहीं है दिन भर, अब तो केवल मजबूरी में आना पड़ा है। चलिए हम और कुछ यूथ से बात करते हैं। क्या सर, आप क्या लेने आए हैं अभी? हमें वही रोजमर्रा का सामान लेने आए हैं, लेकिन सब कुछ है कि आप सावधानी बरतें। हाँ जी भाई, बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर डिस्टेंस बना के रखें। और यही कारण है आप सब्जी खरीद लिए लग रहा है। कितने दिनों का ले लिया? कितने दिनों के लिए? ये अभी तो पुदीना लिया है आपने लगता है? पुदीना लिया है जी हाँ, और सब्जी ले लिया है। लेकिन आप निश्चित तौर पर है कि डेली खरीदेंगे सामान, लेकिन संभल के रहेंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कई यूथ हैं और खास तौर से अभी रोज़मर्रा के सामान यहाँ पर खरीद रहे हैं, लेकिन लोगों को संभल के रहना है। जागरूकता जो अभियान चलाई है सरकार, इस पर लोग जागरूक हैं। और ये खास बात है, कुछ लोग हैं जो अभी भी इसे अपने सिर्फ नहीं दे रहे, इससे अभी खतरनाक मामले आ सकते हैं। अभी जो खबर आई है कि आज 25 मार्च को 5 ऐसे केस निकले हैं कोरोना के, 5 केसेस मामले आए हैं। कल हालांकि 24 तारीख को कोई केसेस नहीं आया था, लेकिन 25 मार्च को 5 केस सामने आया है। उसके बाद फिर से
ये मामला हो गया है कि आखिर में क्या कितना बरता जाए, सावधानियाँ बरताया जाए कि नहीं। या आइए हम यहाँ पर कुछ जो स्टाफ हैं उनसे बात करते हैं। सर यहाँ पर कोई कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही, सब है ना, सब कुछ है ठीक ठाक, क्या कोई लगता है लोग ज़्यादा तो नहीं साथ में आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सब काफ़ी अनाउंसमेंट हो रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा है लोग या निश्चित तौर पर? जी जी हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस तरह से यहाँ पर सावधानी बरती गई है और लगातार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है सनराइज कॉलोनी में। कैसे हैं आलू? अच्छा 30 रुपये है, ज़्यादा महंगा नहीं ना है? पहले आप कैसे बेचते थे? तीसरी बेचते थे। काफ़ी लोग आ रहे होंगे तो महंगा कर दिया नहीं ना? जी हाँ बिल्कुल, आप ही का दुकान है? आप दोनों का है? पापा हैं आपके? जी हाँ बिल्कुल, और इससे दूरी बनाए हुए हैं, हाथ में भी बनाए रखे हैं, एक एक बंदा आ रहा है। चलिए ये सावधानी बरतना जरूरी है, निश्चित काफ़ी आलू आलू की काफ़ी मांग होगी नहीं? आलू कितना नवरात्रि है इसलिए ऐसे ही मांग होगी। कितना बोरा बेचा अभी आप? अच्छा यही इतना? चलिए बिल्कुल 20 रुपये किलो बेच रहे हैं। लोग संभल के आ रहे हैं, अपनी खरीदारी कर रहे हैं, हालांकि केसेस अभी भी कम नहीं है, 5 केसेस सामने दिल्ली में आए हैं, उसके बाद से फिर से सजगता बढ़ी है और 24 घंटे के बाद पता लगेगा कि क्या ये पूरी महामारी है या इसको निजात कर लेंगे। फिर भी 21 दिनों का जो लॉकडाउन है इसको पालन करना चाहिए और इसी का ध्यान रखना की ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मुस्किन साथ मानवेंद्र, नमस्कार।